सिविल पढ़िए में आपका स्वागत है। बिना टाइम गवाए लेट अस स्टार्ट। वो आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज सीपेज, इन्फिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन। कई बार लोगों को दिक्कत रही होती है कि ये तीनों चीज़ है, सीपेज, इन्फिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन, वो तीनों चीज़ों को एक सिमिलर थिंग कंसिडर करते हैं, बट ये तीनों की चीज़ में तीनों के बीच एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, वो आज हम समझने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर पहला है हमारा सीपेज। तो मैं आपको एक थिंग क्लियर करा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर डैम की बॉडी का एग्जांपल लिया है, उसके कारण क्या होगा कि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो हम देखते हैं सीपेज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर की जो है डैम की बॉडी है, अपस्ट्रीम साइड में वाटर है और नीचे जो है वो ग्राउंड वाटर टेबल दिखा हुआ है। तो सीपेज क्या होता है, एक बात और क्लियर करने की है कि सीपेज जो होता है वो ओनली सॉइल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो डैम की बॉडी के थ्रू भी हो सकता है। जहाँ पर भी वॉइड्स या क्रैक आएंगे वहाँ पर से सीपेज होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सॉइल के थ्रू वाटर पेनेट्रेट हुआ सॉइल में और डाउनस्ट्रीम साइड से वो बाहर निकल जाता है। ऐसा ही कुछ होता है कि डैम की बॉडी में भी जहाँ वॉइड और क्रैक रहे होते हैं वहाँ से पेनेट्रेट होता है और दूसरी ओर से वो बाहर डाउनस्ट्रीम साइड में बाहर निकल जाता है। तो सीपेज में क्या होता है कि वो ग्राउंड वाटर टेबल, सीपेज का वाटर जो होता है वो ग्राउंड वाटर टेबल को मीट नहीं कर रहा है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। बट क्या होता है कि वो सॉइल के थ्रू और डैम की बॉडी के थ्रू ट्रैवल करता है और दूसरी ओर जहाँ पर भी वॉइड्स या क्रैक दिखेंगे वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। तो ये था अपना सीपेज। तो आपको सीपेज यहाँ से समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा थियोरेटिकल कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि सीपेज में होता क्या है। अब सीपेज अकर्स थ्रू द सॉइल एंड एनी अदर बॉडी लाइक द डैम ऑल्सो। मैंने आपको एनिमेशन में डिस्कस किया कि सॉइल की ओनली कैरेक्टरिस्टिक नहीं बट डैम की बॉडी के थ्रू भी सीपेज हो सकता है। वाटर पेनेट्रेट्स थ्रू द वॉइड्स एंड क्रैक। जहाँ पर भी वॉइड्स और क्रैक आएंगे वहाँ से वाटर पेनेट्रेट होगा सीपेज में। वाटर ट्रैवल्स इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी डैम की बॉडी और फिर सॉइल की बॉडी, वहाँ से वाटर पेनेट्रेट होगा और वो अपना मूवमेंट स्टार्ट करेगा। एंड दिस वाटर लीव्स द बॉडी फ्रॉम अनदर वॉइड्स और क्रैक। हमने पिछला एनिमेशन में देखा कि जो वाटर होता है वो डाउनस्ट्रीम साइड में दूसरी ओर से वो बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा बेसिक सीपेज का कंसेप्ट। तो आपको सीपेज समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है वो भी सिमिलर हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। तो इनफिल्ट्रेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने बताया है, यस। तो यहाँ पर क्या होता है कि वाटर जो होता है ना अपस्ट्रीम साइड से, और फिर हम बात कर सकते हैं कि रेनफॉल के थ्रू भी इनफिल्ट्रेशन होता है, सॉइल के थ्रू इनफिल्ट्रेशन होता है। तो इनफिल्ट्रेशन जो होता है वो टोटली सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर से वाटर पेनेट्रेट हुआ आप देख सकते हो और वो अपना मूवमेंट जो स्टार्ट करता है सॉइल में। तो जो भी वाटर इनफिल्ट्रेट करता है वो एज अ सॉइल में एब्जॉर्ब टर्म में या एड्जॉर्ब टर्म में रहता है, वो हमने आगे के वीडियो में देख लिया है कि क्या होता है एब्जॉर्प्शन और क्या होता है एड्जॉर्प्शन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वाटर पेनेट्रेट तो होता है सॉइल में बट वो भी जो है ग्राउंड वाटर टेबल को मीट नहीं करता, ग्राउंड वाटर टेबल को मीट नहीं करता बट अपनी मूवमेंट जो है सॉइल में स्टार्ट रखता है, तो उसे हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो आपको ये भी समझ आ गया है कि इनफिल्ट्रेशन क्या है। और इनफिल्ट्रेशन क्या क्या है कि इनिशियली जब भी रेनफॉल ज़्यादा होता है तो उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनफिल्ट्रेट होता है, और उसके बाद क्या होता है कि जब भी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी आ जाती है सॉइल के आजू बाजू की जो भी एरिया होता है वो वाटर से फिल हो जाते हैं टोटली, तो उसके कारण क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन रिड्यूस हो जाता है। तो ये उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इनफिल्ट्रेशन की। अब हम थोड़ा सा थियोरेटिकल कंसेप्ट भी देख लेते हैं कि इनफिल्ट्रेशन में होता क्या है। इनफिल्ट्रेशन टोटली सॉइल कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको डिस्कस किया कि वो टोटली सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है। इनफिल्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि डैम की बॉडी के थ्रू होता है और सॉइल में जब पेनेट्रेट होगा तभी इनफिल्ट्रेशन होगा। वाटर पेनेट्रेट इनसाइड द सॉइल, बराबर है, वाटर पेनेट्रेट इनसाइड द सॉइल, सॉइल में वाटर एंटर होता है एंड स्टार्ट टू मूव इन साइड द सॉइल, नॉट एज ग्राउंड वाटर टेबल। हमने आगे डिस्कस किया कि ग्राउंड वाटर टेबल को मीट नहीं करता बट सॉइल में अंदर ही वो घूमता रहता है। इनिशियली रेट इज़ हाई, मैंने बोला कि जब भी रेनफॉल ज़्यादा होगा और इनिशियल स्टेज में होगा तो इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। ओके, देन डिक्रीज ड्यू टू द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एक बार जो वो मेंटेन कर लेता है उसके बाद जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और इनफिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। तो ये हमारा था इनफिल्ट्रेशन। अब हम समझेंगे परकोलेशन। तो परकोलेशन जो है क्या है वो भी हम सिमिलर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर डैम की बॉडी है, अपस्ट्रीम में वाटर है, नीचे ग्राउंड वाटर टेबल है और यहाँ पर ये सब आप देख सकते हो। तो जब भी वाटर पेनेट्रेट होगा सॉइल में
या तो फिर अपस्ट्रीम साइड में या तो फिर रेनफॉल के थ्रू. यहाँ पर हमने डैम का एग्जांपल कंसीडर किया, रेनफॉल के थ्रू भी वाटर पेनेट्रेट होता है. तो यहाँ से क्या होगा कि वाटर, जो भी वाटर पेनेट्रेट होता है वो ग्राउंड वाटर टेबल को मिट हो जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल को मिल जाएगा. तो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं कि परकोलेशन. तो ये सारी प्रोसेस जो है उसे परकोलेशन बोलते हैं. जो वाटर ग्राउंड वाटर टेबल को मिट कर रहा होगा उसे हम परकोलेशन बोलेंगे. तो इस फिगर के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि परकोलेशन क्या है. अब हम समझेंगे उसका थियोरेटिकल कंसेप्ट कि परकोलेशन में होता क्या है. तो ऑल्सो सॉल कैरेक्टरिस्टिक, ये भी सॉल की कैरेक्टरिस्टिक है. ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी बॉडी के थ्रू पेनेट्रेट होगा और वो उससे हम परकोलेशन बोलेंगे. तो परकोलेशन टोटली सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है. वाटर पेनेट्रेट्स इन द सॉइल, वाटर जो होता है ना वो सॉइल के थ्रू पेनेट्रेट होगा, मिट्स द ग्राउंड वाटर टेबल. और जो वाटर होता है वो ग्राउंड वाटर टेबल को मिट करेगा, फ्लो एज द ग्राउंड वाटर फ्लो. फ्लो जो होता है एज अ ग्राउंड वाटर फ्लो फ्लो करता है. तो हमने आज तीन चीज़ें देखी, सीपेज, इन्फिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन. तो सीपेज में क्या था कि एक ओर से वाटर पेनेट्रेट होता है, दूसरी ओर से निकल जाता है. इन्फिल्ट्रेशन में क्या था कि वो पेनेट्रेट होने के बाद सॉइल में ही अपना मूवमेंट स्टार्ट रखता है, वो ग्राउंड वाटर टेबल को मीट नहीं करता. और परकोलेशन में क्या होता है, जब भी वाटर पेनेट्रेट होता है और वो ग्राउंड वाटर टेबल से मिल जाता है. ये तीनों के बीच में जो डिफरेंस था वो हमने आज समझ लिया है. तो आशा रखता हूँ कि आपको ये तीनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.